अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं उर्दू सफ़र का वीडियो और आपकी बार बार रिक्वेस्ट पर आज हम आपको हिस्सा शशुम पढ़ाने जा रहे हैं हमारी किताब। सबसे पहले हम हम्द पढ़ेंगे, हस्ब मामूल जैसे हर किताब में पहले हम्द होती है, उसकी हम रीडिंग करेंगे और फिर आपको उसका मश्क का काम कराएंगे। चलिए, बहुत ही प्यारी हम्द है ये सुन लेते हैं और आप भी साथ साथ पढ़िए। धूप भी और छाँव भी ए आदमी देता है कौन, क्या कभी सोचा कि गम देता खुशी देता है कौन। ए मोअज़्ज़ज़ होशमंदो ज़ेर को दानिश्वरों, होशमंदी ज़ेर की दानिश्वरी देता है कौन। कौन अपनी हम्द की तौफीक देता है मुझे, हम्द के शाया निशां अल्फाज भी देता है कौन। सोचता रहता हूँ सुनकर पंछियों के चह चहे, बेज़बानों को ये लय ये नगमगी देता है कौन। कौन हूरे सुबह को देता है झूमर मेहर का, शब को तारों की झमकती ओढ़नी देता है कौन। ये सितारे ये गुलो लाला ये रंगी तितलियाँ, इन हसीनों को अदाए दिलबरी देता है कौन। हैं तो सब चेहरे मगर एक दूसरे से मुख्तलिफ़, हर नए इंसान को सूरत नई देता है कौन। कौन है रब्बे दो आलम कुल हुवल्लाहु अहद, वो नहीं तो साज़ो बर्ग ज़िंदगी देता है कौन। पूछता है कौन ए जाहिद मेरे अश्के अलम, मेरे होठों को मुसर्रत की हंसी देता है कौन। ये लिखी है मौलाना अबुल मुजाहिद जाहिद लखीमपुरी। बहुत अच्छी ये हमने आपको पढ़ाई है। अब हम इसके अल्फाज मायने आपको बता देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं हम एक एक जुमले को पढ़कर उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां नज़र आती हैं। दोपहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी जो है बादल गरजे और हवा चलने लगी प्यारी प्यारी, और फिर बारिश हुई। इतना अच्छा अल्लाह ताला ने मौसम कर दिया। और इसी तरह मतलब हम देखते हैं कि कभी धूप है, कभी छांव है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, और मौसम जो है मौसम का अदल बदल होता रहता है। ये सब कौन देता है हमें, शायद ये कह रहे हैं आदमी मतलब ये बात सोचे कि ये सब हमें कौन दे रहा है। और जैसे खुशी और गम ज़िंदगी में हमारे साथ लगे हुए हैं, ये भी कौन देता है। और जैसे जो भी इज़्ज़तदार लोग हैं और अक्लमंद हैं, तो उनको इज़्ज़त जो मिल रही है और उनकी जो अक़ल उनको मुअज़्ज़ज़ बना रही है, वो सब भी किसने दिया है ये भी सोचना चाहिए। वो भी हमें अल्लाह ताला ने दी है। दूसरे शेर का मतलब है, तीसरा शेर जो है, जैसे इन्होंने हम्द लिखी है और हम अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं तभी हम करते हैं। और अल्लाह ताला की जो है शान के मुताबिक हम अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें, तस्बीह करें, ज़िक्र करें, ये सभी तौफीक अल्लाह ताला ही देते हैं। और शायर कहते हैं कि परिंदे जो हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ, उनकी चहचहाट की आवाज़ सुनता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो हमारी तरह बोल तो नहीं सकते, मगर उनकी आवाज़ में इतना असर है, उनकी चहचहाट इतनी दिलफरेब है कि वो जो है अल्लाह ताला की तरफ हमें रागिब करती है, हमें ये दावत देती है, सोचने पर मजबूर करती है कि ये भी अल्लाह ताला की दी हुई है, इसको भी अल्लाह ताला ने ही सुर दिया है, लय दिया है। और जैसे सुबह है, सुबह इतनी खूबसूरत जब नमूदार होती है और सूरज जो है वो ऐसा लगता है जैसे माथे का जेवर झूमर होता है ना, इस तरह मतलब रोशन चमकदार सा खूबसूरत सा नज़र आता है। और उसके बाद जब रात आती है और बहुत बड़ा सा आसमान और उस पर चमकते हुए सितारे, ऐसा लगता है जैसे कोई ओढ़नी है, चमकती हुई ओढ़नी जिस पर चमकदार सितारे लगे हुए हैं। और इस सब को भी देख कर हमें ये ख्याल आता है दिल में कि ये कौन देता है, बेशक ये हमें अल्लाह ताला ही देता है। सुबह जो बहुत प्यारी खूबसूरत होती है और रात इतनी अच्छी चमकदार सी प्यारी सी रात, ये भी दोनों अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इसके बाद है सितारे गुलो लाला और रंगीन तितलियाँ। जैसे सितारे हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, रोशन हैं, और फूल हैं तरह तरह के, ट्यूलिप है, गुलाब है, ये सब हमारे सामने, और इतनी खूबसूरत रंगीन तितलियाँ हैं पुरकशिश परों वाली, तो ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी अच्छी अदाएँ दी हैं कि ये हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये हमें अपनी तरफ बुलाती हैं और अपने खालिक का ध्यान दिलाती हैं। और हर तरफ नज़र डालें तो बेशुमार इंसान हैं, सब तरह के लोग हैं, और लेकिन तब भी सबकी सूरत
नई अल्लाह ताला बनाते हैं, अल्लाह ताला ने सबको नई सूरत बनाकर भेजा है। और अल्लाह ताला दोनों जहान का रब है, मतलब जैसे दुनिया में भी और आखिरत में भी हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, ठीक है। इसमें कुरान की आयत भी लिखी हुई है छोटी सी सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, यानी इसका तर्जुमा होता है कि जो है अल्लाह ताला हम, ये मफहूम है कि कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक ही है। और अगर हम ये सोचें कि हम कैसे इनकार कर सकते हैं अल्लाह ताला की ज़ात का, फिर हम ये सोचेंगे कि हमें ज़िंदगी किसने दी, हमें साजो सामान किसने दिया, हमें दुनिया की सारी नेमतें किसने दी। तो लौट फेर कर हमारा ध्यान जो है अल्लाह की तरफ ही जाएगा। और जैसे हम गमज़दा होते हैं, हमें कोई परेशानी होती है, हमारे आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला सब्र भी देते हैं, और ये सब्र देने वाला कौन होता है? अल्लाह ताला होता है। इसी तरह उसके बाद कभी हमें कोई खुशी पहुंचती है और हम बेख्तियार मुस्कुराने लगते हैं और हमारे होठों से हंसी जो है झलकने लगती है, तो ये भी नेमत अल्लाह ताला ही देते हैं, ठीक है। ये आ गए आपके अल्फाज मायनी, फिर है मश्क का काम, इसमें आपके सवाल हैं, खाली जगह है और जुमले हैं, और ये मैचिंग है, अलिफ और बे जो लिखे हुए हैं ना मिसरे, इनको मिलाना है, ये बेतरतीब हैं, अलिफ हिस्सा अलिफ और बे के मिसरों को तरतीब से जोड़कर शेर मुकम्मल कीजिए। जैसे अभी हम पढ़ी है, तो हम इसको गौर से ध्यान से पढ़ेंगे। कौन अपनी हमद की तौफीक देता है मुझे, ठीक है, ये हमद के बारे में मिसरा है, तो मुझे लग रहा है कि हमद के शाया निशा अल्फाज भी देता है कौन, ठीक है। आप भी हमारे साथ सोचिए, गैस करिए कि कौन सी लाइन किससे मैच होगी। सोचता रहता हूँ सुनकर पंछियों के चहचहे, ठीक है, इसमें जो है परिंदों के चहचहाने का जिक्र है, तो ये मिलेगा। बेज़बानों को ये लय ये नगमगी देता है कौन। अब लास्ट वाला, हैं तो सब चेहरे मगर एक दूसरे से मुख्तलिफ, हर नए इंसान को सूरत नहीं देता है कौन, ठीक है। शाबाश, आपने भी हमारे साथ साथ ये ज़रूर मैच कर लिए होंगे। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस हम को ज़बानी याद करके तरन्नुम से पढ़िए। तरन्नुम का मतलब है बहुत अच्छे अंदाज में, ट्यून के साथ, बहुत प्यारी सी आवाज़ में, और मतलब कुछ अच्छी सी तर्ज बनाकर फिर अपनी क्लास में आप पढ़ें, सबको सुनाएं, सब बहुत इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और आगे सबक नंबर एक, हम अल्फाज मायनी, मुअज्ज़ज़ इज़्ज़तदार होशमंद अक्लमंद ज़ैरिक दाना दानिश्वर अक्लमंद आलिम या बहुत ज़हीन शायान शान शान के मुताबिक पंछियों परिंदों चह चहे परिंदों की आवाज़ बेज़ुबान जो बोलते नहीं लय लहजा आवाज़ नगमगी नगमे गाने की कैफियत हूर सुबह खूबसूरत सुबह जैसे हूर कहते हैं ना खूबसूरत बहुत खूबसूरत यानी झूमर माथे का जेवर महर सूरज शब का मतलब है रात झुमकती चमकदार ओढ़नी ओढ़ने की चीज़ मुराद सितारों भरा आसमान ठीक है यहाँ शायर का मतलब है आसमान लाला सुर्ख रंग के फूल इसे मतलब ट्यूलिप भी मुराद हो सकता है हसीन खूबसूरत अदाए दिलबरी दिल मोह लेने वाली अदाएँ रब पालने वाला तो आलम दो जहां दुनिया आखरत साज जैसे कहते हैं ना साजो सामान इसका मतलब है असबाब सामान यानी दुनिया की सारी नेमतें बर्ग पत्ता सामान अश्क आंसू टीयर्स अलम दुख तकलीफ गम मुसर्रत खुशी छाँव एक वर्ड होता है छाया साया मतलब दरख्तों का साया शेड ये भी जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आप जो है सुन रहे होंगे अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी जो है अच्छी सी बारिश भेज दी है और अच्छे अच्छे ठंडी हवा के झोंके माशाल्लाह आ रहे हैं। मश्क, आपको जवाब लिखने हैं। शायर ने पहले शेर में आदमी से क्या सवाल किया है? शायर ने पहले शेर में आदमी से सवाल किया है कि कभी ये सोचा कि धूप छाँव गम और खुशी कौन देता है। सवाल नंबर दो, होशमंदों ज़ैरिकों और दानिश्वरों से शायर ने क्या कहा? शायर होशमंदों ज़ैरिकों और दानिश्वरों से कहते हैं कि आप सबको इज्जत अकल
जानते हैं कौन देता है, ये अल्लाह की दी हुई है। सवाल नंबर 3, कौन अपनी हम्द की तौफीक देता है, अपनी हम्द की तौफीक भी अल्लाह ताला देता है। सवाल नंबर 4, पंछियों के चहचहे सुनकर शायर क्या सोचता है, पंछियों के चहचहे सुनकर शायर सोचता है कि परिंदे हमारी तरह बोलते नहीं, मगर उनकी चहचहाहट को अल्लाह ने इतना पुरअसर और दिलफरेब बनाया। सवाल नंबर 5, तारों को झुमकती ओढ़नी किसे कहा गया है, तारों की होना चाहिए इसमें। शब में रोशन सितारे आसमान पर नज़र आते हैं, उसे शायर ने तारों की झुमकती ओढ़नी कहा है। सवाल नंबर 6, हर नए इंसान को नई सूरत अल्लाह ताला देता है, रब्बे दो आलम कौन है, रब्बे दो आलम सिर्फ एक अल्लाह ताला है। देता है कौन का जवाब क्या है, देता है कौन का जवाब ये है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ही देता है। एक नज़म हमने बहुत अच्छी पढ़ी थी और आप लोग भी अगली क्लास में पढ़ेंगे सातवीं जमात में, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है, ये बर्क ये बारह ये हवा है कि नहीं है, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत अच्छी मतलब नज़म आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे हैं, खाली जगह पुर कीजिए, ऊपर चलते हैं और उसे पढ़ लेते हैं जुमलों को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला जुमला है, होशमंदी जहर की डैश देता है कौन, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप हमको दोबारा पढ़ लीजिए। इसमें आएगा लफ्ज़ दानिश्वरी, बेज़बानों को ये लय ये डैश देता है कौन, ये परिंदों की बात हो रही है, इसमें आएगा नगमगी। 3 जो है तीसरे में आएगा, इन हसीनों को डैश देता है कौन, अदाए दिलबरी। 4 में, हर नए इंसान को डैश नहीं, डैश में आएगा सूरत। और 5 में, वो नहीं तो साजो बर्ग देता है कौन, साजो बर्ग जिंदगी, यानी जिंदगी का साजो सामान। और 6 जो है, मेरे होंठों को डैश की हंसी, तो हंसते हम कब हैं, जब हमें मुसर्रत मिलती है, खुशी मिलती है, इसमें आएगा मुसर्रत। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं आप इनमें खाली जगह में लिख लीजिएगा। आगे आ रहे हैं हमारे दर्ज ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। होशमंद का मतलब होता है अक्लमंद, होशमंद बच्चा कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। गुलो लाला, ये दोनों फूल ही हैं, बाहर आते ही बागों में गुलो लाला रौनक दिखाने लगते हैं। शायान शान का मतलब है जिसका जैसा मर्तबा हो, जिसकी जैसी शान हो, उसके मुताबिक बात की जाए। हमें अल्लाह के शायान शान इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। बर्ग का मतलब होता है पत्ता, सर्दी गर्मी के बदलने से बर्ग के रंग भी बदल जाते हैं। अश के अलम, अश का मतलब होता है आंसू, अलम का मतलब है गम, किसी के अश के अलम दूर करना नेकी है। चलें, ये बहुत अच्छी नज़म यानी हम्द आपकी ख़त्म हो गई है, और अगला सबक आपका आने वाला है नात, वो देखना नहीं भूलिएगा। अब आपको लगातार अपनी किताब का काम इंशाल्लाह मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अरे अरे जाइए नहीं, सबसे पहले उर्दू सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए।